अब तो शाहरुख खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे अदाकार हैं जो हर रोल को एक ही तरह निभाना जानते हैं। फौजी बनते हैं तो भी नॉक सेक्टर के मुकाबले बोलते हैं, गैंगस्टर बन जाए तो भी मखसूस अंदाज में बाएं फैलाकर जुर्म कबूल करते हैं। यहाँ तक के हदायतकार राजकुमार हिरानी भी अपनी फिल्म डंकी में उनसे कुछ नया नहीं करवा सके। मानना पड़ेगा कि शाहरुख खान वाकई बादशाह है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म इंडिया में सिर्फ 30 करोड़ रुपए का बिजनेस करने में कामयाब हुई, जो शाहरुख खान की इस साल रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे कम आमदन वाली है। इससे ज्यादा पैसा तो इस साल फ्लॉप होने वाली फिल्म आदिपुरुष ने कमाया था। फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में इंडियन पंजाब के एक छोटे से गांव ललटू से शुरू होती है, जहां तीन दोस्त लंदन जाने के लिए बेचैन हैं। मुन्नू रंधावा यानी तापसी पन्नू एक होटल में काम करके पैसे जोड़ रही है, जबकि बिल्ली कक्कड़ यानी अनिल ग्रोवर और बुलंदर बगू यानी विक्रम कोचर लंदन जाने के ख्वाब देख रहे हैं। यहाँ एंट्री होती है हार्वी सिंह यानी शाहरुख खान की, जो कि एक फौजी है और ललटू के गांव के एक जवान का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे ढूंढ रहा है जिसने उसे मौत के मुंह से बचाया था। वो जवान दरअसल मुन्नू रंधावा का भाई होता है और मर चुका होता है। मुन्नू का ख्वाब पूरा करने और उसके अनजहानी भाई का एहसान उतारने के लिए हार्वी सिंह वादा करता है कि तीनों दोस्तों को लंदन ले जाएगा। अब ये चारों गीतू गुलाटी यानी बोमन ईरानी की अंग्रेजी सीखने की क्लास में दाखिला लेते हैं, जहां उनकी मुलाकात सुखी यानी विकी कौशल से होती है और वो भी लंदन जाने के लिए बेताब होता है। नाकाम होती कोशिशों के दौरान एक भयानक वाकया पेश आता है और अब हार्वी सिंह के सामने सिर्फ डंकी मार के सबको गैर कानूनी तौर पर लंदन ले जाने का रास्ता बचता है। शाहरुख खान हमेशा की तरह भरपूर मेकअप के साथ इस फिल्म में भी फ्लैशबैक के मनाजिर में बहुत ही जवान नजर आएंगे। अदाकारी वैसी ही है जैसी उनकी हर फिल्म में होती है। विकी कौशल इस फिल्म में बतौर मेहमान अदाकार जलवागर हुए हैं और सबसे अच्छी अदाकारी कर गए हैं। तापसी पन्नू का पंजाब से ताल्लुक इस फिल्म में उनकी काफी मदद करता दिखाई देता है, जबकि बाकी तमाम अदाकार टूटे फूटे पंजाबी लहजे में बात करते नजर आते हैं। फिल्म के हदायतकार राजकुमार हिरानी हैं, जिनके खाते में इससे पहले मुन्ना भाई, 388, पीके और संजू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। फिल्म की पसे पर्दा मौसीकी मनाजिर से मुताबकत रखती है, लेकिन फिल्म के गाने कुछ ज्यादा मुतासर नहीं कर सके। गुलकार सोनू निगम की आवाज में गीत निकले थे कभी हम घर से ने बहरहाल काफी पजीराई हासिल की है और सिर्फ यूट्यूब पर ही 16 मिलियन बार देखा जा चुका है। IMDB पर इस फिल्म की रेटिंग 10 में से 7.7 है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस फिल्म को 5 में से 4 नंबर दिए गए हैं। ये फिल्म 21 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज कर दी गई। इसमें कोई शक नहीं कि प्रोड्यूसर जो कि शाहरुख खान की अहलिया गौरी खान और राजकुमार हिरानी खुद हैं, फिल्म से मुनाफा कमा ही लेंगे, लेकिन ये बिलाशुबा राजकुमार हिरानी की सबसे कम रेटिंग हासिल करने वाली फिल्म साबित होगी। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।